हमारा बलिस्ता एरिया के जितने भी इलाके हैं, काफ़ी बर्फ़ अच्छी खासी बर्फ़ पड़ी। अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र व एहसान है कि उसने इस बार पोस्ट सीज़न पे ये बर्फ़ जो थी पड़ी, और इसका काफ़ी सारा फ़ायदा जो है वो पानी और चश्मों के लिए, ज़मीन के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद ये बर्फ़ पड़ी। अल्लाह का बड़ा शुक्र व एहसान है। एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि जितने हमारे इलाका जात हैं, सारे जितने भी हमारे ये चार ब्लॉक हैं, हिली एरिया हैं, इन एरियाज के जितने भी रोडें बंद पड़ी हुई हैं, इनको खोला जाए। और आज काफ़ी सारी मशीनें जो हैं, बड़ी रोड जो गंदो ठाठी क्लोत्रान रोड जो है, इसको खोल दिया गया। उसके अलावा जो छोटी रोडें थी, गिरकाई रोड पर भी मशीन लगी हुई है। PMGSY, RNB और जितने भी डिपार्टमेंट हैं, PMGSY का एक्सटेंड, AEE और JEE साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें कुछ मजबूरी थी, यहां से रोड को ओके करने के लिए मशीन उन्होंने भेजी, हम इसमें शुक्रिया अदा करते हैं। और तमाम डिपार्टमेंट का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि तमाम रोडों पे बड़ी अच्छी तेज़ी से काम चल रहा है। मुझे उम्मीद है कि कल सारी रोडें जितनी भी हैं हमारी ये ओके हो जाएंगी, और लोगों की मुश्किल को, जितनी भी मुश्किलें हैं, कोई बीमार है, कहीं लोगों ने जाना है, कहीं गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, और जितने भी लिंक रोडें हैं, इनको कल मुझे उम्मीद है कि ये सारी रोडें ओके कर दी जाएंगी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का और डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने काफ़ी इस बर्फ़बारी के दौरान में काफ़ी हिम्मत से काम लिया। और बाकी भी जितनी रोडें बंद पड़ी हैं, मेरी अर्ज है एडमिनिस्ट्रेशन से कि डिपार्टमेंट से भी, RNB, PMGSY जितनी भी रोडें हैं, कि कल इंशाल्लाह ये सारी बहाल हो जाएंगी। बिजली भी फौरी तौर पर बहाल की जाए ताकि लोगों की मुश्किल आसान हो सके। और बालाई इलाकों के खासकर मनो कटा हटेल एरिया के, कालजुबासर, कांसर, डुडू, गुड़ेक वगैरह के जितने एरिया बालाई इलाकों के लोग हैं, इनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्र और तहमल से काम लेना चाहिए, क्योंकि पहले लोगों के पास बड़ा पूरा बर्फ़ का इंतज़ाम होता था, आज हमारे पास उतना इंतज़ाम नहीं है जितना पहले लोग, और जितना पहले लोग बर्दाश्त करते थे, तो उनका घटना, उनका कोट और घास के जूते हुआ करते थे, और वो लोग जो थे बहादुर और दलेर लोग थे। इसलिए हमने भी इस चीज़ का मुकाबला करना है, बड़े सब्र और तहमल से काम लेना है, और बाकी आने जाने की एहतियात रखनी है ताकि कहीं पस्सी गिराने से कोई नुकसान, जानी नुकसान ना हो सके। बहुत बहुत सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के।